मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में माइक बंद किए जाने का किया दावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। इससे पहले ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर चली आई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ने दावा किया, मैंने बैठक में कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। उन्होंने कहा मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझसे पहले के लोग 10 से 20 मिनट तक बोले, मैं सिर्फ विपक्ष से अकेले थी वहां लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये अपमानजनक है। ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग की बैठक में भाग लेने ममता बनर्जी पहुंची थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी, हम सभी ने उनकी बातें सुनी। वित्त मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, यह पूरी तरह से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था, अगर वह और बोलना चाहती थी तो मुख्यमंत्रियों की तरह अतिरिक्त समय मांग सकती थी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का बैठक से आकर यह कहना कि उनका माइक बंद कर दिया गया था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा सुनिए। उसमें देखिए मेरे स्टेप के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रोड बंद करके रखा, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर पार्टी आगे ले रहे हैं और पार्टी विल रन व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। वो मौना छे, वो मौना छे, वो मौना छे। मैंने जो बोलना एक में बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर आप छोड़कर आ रहे हैं हम वॉकिंग दीदी आप मुझे वॉकआउट बोलने चाहते थे दादा वो मार्किंग बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है पांच जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, अपोजिशन से मैं एक ही आया लेकिन डॉक्टर लोगों को 5 मिनट स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे। मुख्यमंत्री के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब, देखिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी वॉज हियर अटेंडिंग द नीति आयोग मीटिंग which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every chief minister was given an allotted time and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking, but apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by senior minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the chief minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all chief ministers, but it's unfortunate that the chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition.
But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking, like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आनंद जैन. मैं सिलीगुड़ी के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ. बुद्धदेव राय जी जो दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, वो सितंबर के महीने में हमारे पास आए थे. तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी. वो आईसीयू में काफ़ी दिन तक एडमिटेड थे. काफ़ी सिक कंडीशन में थे. उनको मल्टीपल सेशंस हमने डायलिसिस दिया. धीरे धीरे इनके अंदर रिकवरी देखा गया और आज ये मेरे ओपीडी में चल के आए हैं खुद. और ये देख के हमें एज अ ट्रीटिंग टीम बहुत खुशी होती है और ये सक्सेस स्टोरी हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं. मो बुद्धदेव राय को छोरा हो क्वेश्चन बट उहाँलाई एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा लिएर आएको थियौँ. डक्टरहरूले भनेको थियो कि उहाँ बाँच्छ बाँच्दैन त्यस्तो केही भन्नुभएको थियो. बोलाउनु भयो 7 दिनको बादमा, उहाँ सरले 7 दिनको बादमा बोलाउनु भयो. 7 दिनको बादमा फेरि टेस्टहरू गर्दाखेरि अलिकति रिकभरी भयो. त्यहाँदेखिको फेरि 10 दिनको बादमा बोलाउनु भयो. 10 दिनको बादमा बोलाउँदाखेरि त उहाँलाई डायलिसिस त एकदम गर्नै परेन. भेरी मच थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान. थ्याङ्क यू. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. 6 रुपैयामा 1 करोड केवल 6 रुपैयामा किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैया. 6 रुपैयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयामा 6 रुपैया डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो.